नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और इस वक्त की सबसे बड़ी और भयंकर खबर दोस्तों कर्नाटक से निकल कर आ रही है, जहां पर नाले में वाहन के गिर जाने पर दोस्तों 9 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। जी हां दोस्तों, मात्र 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर दोस्तों। आपको बता दें, कर्नाटक के बेलगावी में इस वक्त बड़ा हादसा हो गया है। नाले में दोस्तों वाहन गिर जाने के कारण 9 मजदूरों की दोस्तों यहाँ पर दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं दोस्तों 8 लोग घायल हो गए हैं और मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहां के एक गांव में जो ये मालवाहक वाहन था दोस्तों, इसके नाले में गिरने से 9 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए हैं, जिनमें एक की जो एक व्यक्ति है उसकी तो दोस्तों हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने दोस्तों ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 7 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य ने बाद में अस्पताल में दोस्तों दम तोड़ दिया था। वही एक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दोस्तों आपको बता दें, दुर्घटना के बाद से मौके पर पहुंचे बेलगावी पुलिस आयुक्त MB बोरलिंगैया की देखरेख में बचाव अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार गोकक तालुक के अंग तरगियारा हाला गांव के रहने वाले ये मजदूर बेलगांव की ओर जा रहे थे और इनका वाहन काना बारगी गांव में बल्लारी नाला में दोस्तों गिर गया और जैसे ही नियंत्रण खोया दोस्तों, वाहन ने नियंत्रण खो दिया था और नियंत्रण खोने के बाद दोस्तों ये वाहन नाले में जा गिरा। जैसे ही नाले में जा गिरा दोस्तों, चीख पुकार मच गई और मौके पर ही 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 दोस्तों अन्य घायल बताए जा रहे हैं। जैसे ही परिजनों ने दोस्तों इस घटना की सूचना सुनी, पूरे गांव में दोस्तों हडकंप मच गया, रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। लेकिन दोस्तों आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी आप गाड़ी ड्राइव करो तो सेफ्टी से ड्राइव करो, क्योंकि दोस्तों आपके चाहने वाले, आपके परिजन आपकी राह देख रहे हैं। देश दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, इसलिए अभी ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। भीषण दर्दनाक हादसे में मृतकों की आत्मा को भगवान शांति दे, इसलिए कॉमेंट बॉक्स में आप ओम शांति ओम अवश्य लिखें तथा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।